नमस्कार मध्याह्न खबर को स्वागत करछु चिन्मयी। प्रथमे हेडलाइंस, परी अपहरण हत्या मामला राज्य सरकार को लेखाश्री टार्गेट कहले असल अभियुक्त को लुचाइबा को चली उद्यम सुप्रीम कोर्ट रे काहेकि महलत मागिले राज्य सरकार। विधानसभा उठिला यात्रा कलाकारों समस्या प्रसंग उठाइले तारा बाहिनपति 2000 कलाकार को नहीं यात्रा पार्टी चलने दाबी बाचस्पति रूलिंग तुरंत निष्पत्ति नियंतु सरकार। राजधानी रे पुणी ब्लैक पल्सर आतंक फूल तोलिबा बेले महिला आक्रमण करी चेन लूट भुवनेश्वर नीलाद्री बिहार प्राची एनक्लब सम्मुखे अघटन चंद्रशेखर पुलिस तदंत आरंभ। कटकु पुणी नकली सीमेंट कंपनी ठाबो जगतपुर खैरा अंचल रे जोन वन एसपी और जगतपुर पुलिस चढ़ाऊ दीर्घ दिन है अपमिश्रण कर चलता कारबार। खोल नपे स्कूल एवं खोल प्रथम अष्टम श्रेणी वृद्धि पाता संक्रमण को दृष्टि में रखी पुनर्विचार चली कहले गणशिक्षा मंत्री। बरगढ़ में धारणा बेले आखि बुझे चाषी 140 बस्ता धान बिक्री नहबाक नहीं चिंतार थे बालमणी 13 दिन है पद्मपुर उपजिला ऑफिस आगे देते धारणा। महांगा दुष्कर्म हत्या मामला मृतकों भिणई दैतारी स्वई अटक घटना नहीं गतकालीठू अधिक पचरा उचरा चल पुलिस। कल्लापाट अभयारण्य में हाथी मड़क घटना कर्तव्य अवहेला फरेस्टर और दुई फरेस्ट गार्ड को कारण दर्शाओ नोटिस छुट्टी बातिल पर भी ऑफिस आसी नथिबा अभियोग। मंगल अभियान रे नासा को बड़ सफलता प्रथम थर सुनागला मंगल ग्रहर स्वर नासा पक्षर जारी है ऑडियो रोवर द्वारा पवन बहुतबार शब्द रेकर्डिंग। एथर संपूर्ण खबर परी प्रसंग रे राज्य सरकार को टार्गेट करिछंती बीजेपी साधारण संपादिका लेखाश्री सामंत सिंघार कहिछंती असल अभियुक्त को लुचाइबा को उद्यम करुछंती राज्य सरकार नहले महलत मागि नथांते। सुप्रीम कोर्ट रे काहेकि महलत मागिले एवं कहा को सुरक्षा देबा को महलत मागिले बोली प्रश्न करिछंती लेखाश्री। राज्य सरकार को पाखरे कोनोसी तथ्य नाही केवल समय गड़ाइबा को एही चाल बोली कहिछंती लेखाश्री। जेतेबेले राज्य सरकार एवं तांको एसआईटी कहुचंती जे परी घटना रे सब खुलासा होई जायछि सब तथ्य प्रमाण आम हाथ में लागिछि चिल्ड्रन्स कोर्ट रे मध्य चार्जशीट दाखल होई दोषी को दंडित करिवा पाई कि फांसी खुंट रे छिड़ा करिवा पाई कि सब तथ्य आम पाखरे अछि सेई तथ्य को राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट रे दाखल न करिकिरि राज्य राजकोषरो कोटी कोटी टंका खर्च करिकिरि ईसी अग्रवाल को नियुक्त करिवार कारण कौन ये होची हमर प्रथम प्रश्न। जदि राज्य सरकार को पाखरे सब तथ्य अच्छी सब खुलासा हो जाए दोषी दंडित हबो तथ्य प्रमाण आगे अच्छी तदंत सरी जाए जो तदंतर जहाँ निर्देश बाहर ला जो तथ्य प्रमाण चिल्ड्रेन्स कोर्ट रे राज्य सरकार रखी से तथ्य प्रमाण सुप्रीम कोर्ट रे रखापी कि राज्य सरकार कौन पाई कि डरुंच जदि कोर्टर तदंत जदि पुलिस तदंत हो सारी आ सब कथा खोलार अच्छी से जदि भी सीबीआई आसीबो से जिनस ही देख सीबीआई तो नुआ ये रोपण करिवनी तथ्य प्रमाण आपड़ जो तथ्य प्रमाण देचंती से तथ्य प्रमाण को जदि भी सुप्रीम सीबीआई आसे से तथ्य प्रमाण आधार रे ही से माने आगु को बढ़िबे तो राज्य सरकार को भय रे ईसी अग्रवाल को नियुक्त करचंती ए केस रे आमर स्पष्ट मत जे जेमती राज्यर मंत्री अरुण साहू को एक केस रे बंचेबा पाई सीधा सड़क परीर मार जो बयान आम आउ का बयान को जाऊ भी ना परीर मार बयान परवर्ती काल रे निजे सरोज सेठी बयान भी आसुची सरोज सेठी माँ का बयान भी आसुची बहुत लोगों बयान या भितर आसला किंतु पीड़ितार माँ जहाँ कहते बाबुली नायक ओगेर विजु जनता दल कार्यकर्ता मैंने जो मैंने मंत्री अरुण साहू को अति खास लोक से बचेवाई कि एस आई टी अंटा भिड़ीला एवं घंट घोड़ेबा तथ्य प्रमाण चिल्ड्रेन्स कोर्ट रे दाखल करा सरी
एबे से तथ्य प्रमाण दबा कि राज्य सरकार कौन कि डरुंच कौन कि राज्य राजकोषर कोटि कोटि टंका खर्च करी ईसी अग्रवाल को निजुक्त करा जाए ये तो चिंतार विषय ये तो आम पैसा अबे प्रश्न पचारू साधारण ओडिशा ओडिशार टिकसदातार पैसा जोबले राज्य सरकार लगौं आईन को न्याय को बाटबणा करने कि निश्चित भाव ओडिशावासी ए प्रश्न पचारे ईसी अग्रवाल जरूरत कहीं पड़ा राज्य सरकार को। राजधानी रे पुणी ब्लाक पल्सर आतंक फूल तोलिबा बेले महिलांको आक्रमण करि लुटिनेले चेन। भुवनेश्वर नीलाद्री विहार प्राची एनक्लब सम्मुखरे घटिछि एभली घटना। आजि भोरु लुटर शिकार महिला जणक फूल तोलिबा बेले तांको आक्रमण करिथिले तीन जण युवक। समस्त अभियुक्त बाइक रे आसी आक्रमण करिथिले। महिलांको स्वामी बाधा देबाकु चेष्टा करबा समयरे तांको मध्य दुर्वृत्त माने आक्रमण करिथिले जहार चित्र सीसीटीवी रे कैद होइछि। खबर पाइ चंद्रशेखर पुलिस पहुंची तदंत आरंभ करछि। तबे संपर्क में अधिक सूचना पाई आम सहित फोन लाइन रे जोड़ी होती आम प्रतिनिधि संतोष जेना जोड़ी होती। संतोष, वास्तविक घटना कौन थी ला एवं केउ परिस्थिति रे बा केउ स्थिति रे लुटेरा मारे एभली कांड करिछंती? देखो तो मुता चिन्ह लगातार भाबरे जत बले ब्लैक पल्सर आतंक सृष्टि होला तो बले कमिश्नर पुलिस किसी गैंग को चिन्हित करला एवं तापरे किसी गैंग मध्य धरला एवं हटात गोटे दिन पूर्व एक घटना पुणि थे चंद्रशेखरपुर थाना देखा मिलता पुणी आज देखा मिली और सबुठ आश्चर्य कला भाई कथा हूँ दिन साढ़े आठटा समय हम जिते दंपति जड़े दंपति फूल जुवकुड़ी पत्र एगुड़ी चलुंत स्वामी बाटे अच्छा पुणी जनगहलीपूर्ण एरिया कलोनी साधारण लोकर जीवन जापन शैली से बे सुंदर अच्छी से समय गोटे ब्लाक कल्चर तीन जन दुर्वृत्त आसले और से गोटे खंडा धरीते जो खंडार प्रथम आक्रमण कर महिला मुंडे चोट बाजि पीठ से चोट बाजि महिला जनक बेक जो सुना चेन छोड़ा चेस्टा कले से जे स्वामी थे से दूर कर चेस्टा कले जंघरे खंडा दाग बाजि सांगे सांगे से एक घर हस्पिटा को जाती घटनास्थल में बर्तमान पुलिस पहुंची तदंत कर सीसीटीवी गुड़िक लगी से सीसीटीवी गुड़िक बर्तमान जांच करा जो ब्लाक पल्सर आतंक खेली दुर्वृत्त मानक गाड़ी नंबर ठीक नहीं सेने कौ चढ़े कौ ओल्ल से पूरा योजना प्रस्तुत कर आसते से टार्गेट या जो भी किए सुना गहना पिंधुव से छड़ा छड़ी करुँची से नुआ ग्यांग ना पुणा ग्यांग ना कौन कलेज छात्र ना निशाशक्त अवस्था यह कम करोज बर्तमान समय चंद्रशेखरपुर पुलिस लगी कि घटनास्थल में एपर्त भी पुलिस अच्छी किंतु जो मैंने आक्रमण शिकार होती जो मैंने लुट्र शिकार होती से थाना एतरा देना पुलिस बोध हुए पूर्व पुलिस अधिकारी सहित आलोचना कर समय पर मामला हम और तदंत आगे बढ़े चेन्नई। निश्चित भाव में संतोष बहुत बहुत धन्यवाद आपंकर समस्त सूचना पर आप शुणुते आम प्रतिनिधि संतोष जेना आम सहित जोड़ी होते हैं और राजधानी में पुणी लुट नहीं आमको अधिक सूचना देते। कटकरे पुणी नकली सीमेंट कंपनी ठाब। जगतपुर थाना खैरा अंचल डुप्लिकेट सीमेंट जबत हो जोन वन एसपी और जगतपुर थाना पक्षर मिलित चढ़ाउ कर दीर्घ दिन है अपमिश्रण कर सीमेंट कारबार चली चढ़ाउ बेले सेठारु विपुल परिमाण सीमेंट जबत हो तबे संपर्कित अधिक खबर पाई आम सहित फोन लाइन में जोड़ी होती आम प्रतिनिधि अजित स्वाई जोड़ी होती। अजित, पूरा घटना कौन रही केते दिन धरी चलुला ए सीमेंट कारखाना? तबे कटक रे पुणी नकली कंपनी सीमेंट कंपनी ठाब हो जगतपुर थाना खैरा अंचल डुप्लिकेट सीमेंट जबत हो जोन वन एसपी जगतपुर थाना पक्षर मिलित चढ़ाउ कर दीर्घ दिन है अपमिश्रण कर सीमेंट कारबार एठार चली चढ़ाउ बेले सेठार विपुल परिमाण सीमेंट जबत हो लगातार भाव कटकू नकली सामग्री सब ठाबे हो यारी भितरे आज कटक रे पुणी नकली सीमेंट कंपनी ठाबे हो जगतपुर थाना खैरा अंचल डुप्लिकेट सीमेंट जबत कर जोन वन एसपी और जगतपुर थाना पक्ष मिलित चढ़ाउ कर चढ़ाउ समय अपमिश्रण कर सीमेंट कारबार चली चढ़ाउ बेले सेठार विपुल परिमाण सीमेंट जबत कर पुलिस। आसिबा परवर्ती खबर को विधानसभा रे उठिला यात्रा कलाकार समस्या प्रसंग उठाइले कांग्रेस विधायक तारा प्रसाद बाहिनीपति रास्तार कलाकार कांदुछंते अनिर्दिष्ट धारणा रे बसिछंते एठी काम न पाई बाहर राज्य को पळाइले एमिति हेले राज्य रे कलाकार ध्वंस होइजबे कलाकार को शास्त्रीय मान्यता देबा को केन्द्र को चिट्ठी लेखंतु राज्य सरकार 2000 कलाकार को नै यात्रा पार्टी चालू
ଏହା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ତାରା। ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ବାଚସ୍ପତି ରୁଲିଂ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଲୋୟର ପିଏମଜିରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା କଳାକାର। ଅନ୍ୟ ସବୁକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେଉଥିବା ବେଳେ ଯାତ୍ରା କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ କାହିଁକି ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି କଳାକାରମାନେ। 2000 ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ସରକାର ଅନୁମତି ଦେବା ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ନ ଶୁଣିଲେ ତାହେଲେ ଆସନ୍ତା 24ରେ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବେ ବୋଲି କଳାକାର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। एबे खोलिबनी प्रथम रु अष्टम श्रेणी स्कूल वृद्धि पाउथिबा कोविड संक्रमण को दृष्टि रे रखी चालीछि पुनर्विचार। ए सूचना दैछन्ते गणशिक्षा मंत्री समीर दास। तबे आज प्रथम रु अष्टम श्रेणी स्कूल खोलिबा नै चर्चा होतिला। हेले राज्य रे कोरोना रो सेकंड स्ट्रेन को भय देखा दैछि, जहां पई स्कूल खोलिबा उपरे एबे सुधा कोनोसे निष्पत्ति निया जाय नथिबा कहिछन्ते गणशिक्षा मंत्री। ଆମର ତ 9ରୁ 12 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସ୍କୁଲ ଚାଲିଛି ଅଲରେଡ଼ି। 1ରୁ 8 ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ବିଚାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ଆଜି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କରୋନାର ପୁନର୍ ରିଟର୍ନ କଥା। ଆପଣ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୁଜୁରାଟରେ ଲକଡାଉନ୍ ମଧ୍ୟ ରିଟର୍ନ କରିସାରିଲେଣି, ତେଣୁ ଏ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ 1ରୁ 8 ସମ୍ପର୍କରେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ଖୋଲିବା ସମ୍ପର୍କରେ କିଛି ନୀତିଗତ ଭାବରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇନାହିଁ, ବିଚାର ବିମର୍ଶ ଜାରି ଅଛି। ଧାରଣା ବେଳେ ଆଖି ବୁଜିଲେ ଚାଷୀ। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା। ମୃତକ ସମ୍ବଲପୁର ଗାଁର ବାଲମଣି ଭୋଇ। ଟୋକନ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଯୋଗୁଁ 140 ଧାନ ବସ୍ତା ଲକ୍ଷ୍ମାର ମଣ୍ଡିରେ ଡିସେମ୍ବର 22 ତାରିଖରୁ ପଡ଼ି ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଥିଲେ ବାଲମଣି। ଧାନବସ୍ତା ବିକ୍ରି ଦାବିରେ ଗତ 13 ଦିନ ହେଲା ପଦ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାନବସ୍ତା ରଖି ଧାରଣା ଦେଇଥିଲେ। ଗତ ରାତିରେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ବାଲମଣିଙ୍କ ସହ ଶହ ଶହ ଚାଷୀ ଲ୍ୟାବ୍ସ ଟୋକନ୍ସକୁ ଧରି ରିଜେନେରେଟ୍ ସହ ମଣ୍ଡିରେ ପଡ଼ିଥିବା 70,000 ପ୍ୟାକେଟ୍ରୁ ଅଧିକ ଧାନ କିଣିବା ଦାବିରେ ଧାରଣାରେ ବସି ରହିଛନ୍ତି। ଧାନ ମାସେ ରହିସି ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହୋଇଗଲା ପରେ ସେ ବାରମ୍ବାର ବିଭିନ୍ନ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲେଖିକରି ଦେଇଥିଲେ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ରାଜବୁଢ଼ାଶ୍ରମର କୃଷକ ସଂଗଠନ ନେତୃତ୍ୱରେ ଆନ୍ଦୋଳନ ଆରମ୍ଭ କଲୁ, ଆରମ୍ଭନୁ କାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆମର ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ବି ଯାଉଥିଲେ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଯେ ଆମର ଭେରିଆ ଛକରେ ଯେନ୍ ଆମେ ରାସ୍ତା ଅବରୋଧ କରିଥିଲୁ ସେ ଜାଗାକେ ବି ସେ ଯାଇଥିଲେ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ କଥା କହୁଥିଲେ, ଧାନ ବିକ୍ରି ନାଇଁ ହେଲେ ପାରିବାରିକ ଚଲାବାରଟା, କୃଷିଭିତ୍ତିକ ଅର୍ଥନୀତି, କୃଷି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେନ୍ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ୁଛି ପଇସାର କେନ୍ତା ମେଣ୍ଟେନ୍ କର୍ମା ବୋଲିକରି। ହୁଏତ ସେଇ ଗୋଟେ କାରଣ ନେଇକରି କାଲି ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିପାରେ, ଅଚାନକ ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଥିବାର ଘର ଲୋକେ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍। ଟୋକନ ଲ୍ୟାପ୍ସ ହେଇଯିବା ପରେ ସେ ଆନ୍ଦୋଳନକେ ଯାଉଥିଲେ, 3-4 ଦିନ ଦେଇଥିଲେ ନ, ଆଉ କାଲି ହଠାତ୍ ଆସିଲେ ହସି ଖୁସିରେ ଖାଲି ଏତିକି କହୁଥିଲେ ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଧାନ ନେଇ ଉଠିବା ଟୋକନ ଲ୍ୟାକ୍ସ ହେଇଯାଇଛେ, ଟଙ୍କା ପଇସାର ଟିକେ ଟ୍ରବୁଲ୍ ହେଉଛି ବୋଲିକରି କହିଲେ। ଆଉ ତ ତାର ବାହାରେ କିଛି ନାହିଁ। ସେ ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲୁ ଯେ ରାତି 4 ବଜେ ଏକ୍ସପାୟାର୍ କରିଦେଇଛନ୍। ମହଙ୍ଗା ଦୁଷ୍କର୍ମ ଓ ହତ୍ୟା ମାମଲା। ମୃତ ମହିଳାଙ୍କ ଭିଣୋଇ ଦୈତାରୀ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଗତକାଲିଠାରୁ ଦୈତାରୀକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ପୋଲିସ। ଦୈତାରୀ ଘର ସାଲେପୁର ଥାନା ତାଳପଡ଼ା ଗାଁରେ। ଗତ 17 ତାରିଖରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲା ମହଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଭେଡ଼ା ସାଲେପୁର ପଞ୍ଚାୟତରେ ଘଟିଥିଲା ଏହି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଘଟଣା। ବିଧବା ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କର୍ମ ପରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇ ଘରଠାରୁ 200 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିବା ପିଟ ନାଳିରେ ମୃତଦେହକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଅର୍ଦ୍ଧ ଉଲଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କେନାଲରୁ ମହିଳାଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା ପୋଲିସ। ମହିଳା ଘରେ ଏକୁଟିଆ ରହୁଥିବା ବେଳେ କେହି ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ମିଶି ଏହି କାଣ୍ଡ କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ପରିବାର ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ଥର ଶୁଣାଗଲା ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହର ସ୍ୱର। ନାସା ପକ୍ଷରୁ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏହାର ଅଡିଓ। ମଙ୍ଗଳ ଅଭିଯାନରେ ଏହା ନାସା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସଫଳତା କୁହାଯାଉଛି। ମଙ୍ଗଳ ପୃଷ୍ଠର ଶବ୍ଦ ସଂଗ୍ରହ କରିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛି ନାସା। ମଙ୍ଗଳରେ ନାସା ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ମଙ୍ଗଳଯାନର ରୋଭର ଅବତରଣ ବେଳର ଶବ୍ଦକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିଛି ନାସା। ରୋଭର ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ଶବ୍ଦକୁ ନାସା ସାର୍ବଜନୀନ କରିଛି। ନାସା ପକ୍ଷରୁ ରିଲିଜ୍ ହୋଇଥିବା ଭିଡିଓରେ ରୋଭର ଅବତରଣ କରୁଥିବା ବେଳର ସ୍ୱର ରହିଛି। ରୋଭର ମଙ୍ଗଳ ପୃଷ୍ଠ ଛୁଇଁବାର 20 ମିନିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଥିବାବେଳେ 20 ମିଟର ଉଚ୍ଚରେ ଥିବାବେଳେ ପବନ ବହୁଥିବାର ଶବ୍ଦ ଏଥିରେ ରେକର୍ଡିଂ ହୋଇଛି। ୟୁଏ
ଏସ୍ଆଇଟି କଲେଜ ସାମ୍ନାରେ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ବିକ୍ଷୋଭ। ଫରେଷ୍ଟ୍ରିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ କୌଣସି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଓୟୁଏଟିରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ବିଭାଗର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ କଲେଜର ମୁଖ୍ୟ ଫାଟକ ଆଗରେ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଫରେଷ୍ଟ୍ରି ପାଠକୁ ବୃତ୍ତିଗତ ପାଠପଢ଼ା ବୋଲି ପୂର୍ବ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାକିରିରେ କୌଣସି ସୁଯୋଗ ମିଳୁନାହିଁ। ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ଜଙ୍ଗଲ ବିଭାଗର ବିଭିନ୍ନ ଚାକିରିରେ ଫରେଷ୍ଟ୍ରିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସୁଯୋଗ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ କାହିଁକି ସରକାର ଏକଥାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଧାରଣାରତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ଚିତ୍ରକୁଣ୍ଡାର ହାନ୍ତଳଗୁଡ଼ା ଅଞ୍ଚଳର ମାଓ ଯୋଜନା ପଣ୍ଡ ଗୁଇନ୍ଦା ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ୍ କରୁଥିବା ସମୟରେ କଦଳୀବନ୍ଧା ଗାଁ ନିକଟରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ଜବତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟାଗ୍ରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରେସର ମାଇନ୍ ବୋମା, ଗୋଟିଏ ଟିଫିନ୍ ବୋମା, ମେଡିସିନ୍, ବେଲ୍ଟ, ଡ୍ରେସ୍, ସାବୁନ ଓ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ମିଳିଛି। ତେବେ ବିଏସ୍ଏଫ୍ ବମ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ପହଞ୍ଚି ବୋମାକୁ ନିଷ୍କ୍ରିୟ କରିଥିଲେ। କିଛିଦିନ ହେଲା ଯବାନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ସ୍ୱାଭିମାନ ଅଞ୍ଚଳରେ ବୋମା ଲଗାଉଛନ୍ତି ମାଓବାଦୀ, ଯାହାକୁ ଭଣ୍ଡୁର କରି ଆସୁଛନ୍ତି ବିଏସ୍ଏଫ୍ ଯବାନ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ସୀମାନ୍ତ ଜଳାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଗଞ୍ଜେଇ ଜବତ। ମାଛକୁଣ୍ଡ ଓ ଲମ୍ତାପୁଟ ପୋଲିସ ପାଟ୍ରୋଲିଂ ବେଳେ ଜଳାପୁଟ ଅଞ୍ଚଳରୁ ଏକ ବୋଲେରୋକୁ ଅଟକାଇଥିଲେ। ଗାଡ଼ିରୁ 600 କେଜି ଗଞ୍ଜେଇ ଭର୍ତ୍ତି ବ୍ୟାଗ୍ ଜବତ ହୋଇଛି। ଜବତ ଗଞ୍ଜେଇର ଆନୁମାନିକ ମୂଲ୍ୟ 18 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ହେବ। ଗାଡ଼ିର ଡ୍ରାଇଭରକୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରାଉଚରା ଜାରି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶରୁ କୋରାପୁଟର ଜୟପୁର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏହି ଗଞ୍ଜେଇ ଚାଲାଣ ହେଉଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରି ଫରେଷ୍ଟ ରେଞ୍ଜରେ ଏକ ଭାଲୁର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ପାଟନାବିଟ୍ ଅଧୀନ ଗୁଜୁଡିହା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଭାଲୁର ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ବିଲ ମଝିରେ ପାଣିରେ ଭାଲୁର ମୃତଦେହ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖି ଗ୍ରାମବାସୀ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ନୀଳଗିରି ରେଞ୍ଜର ପହଞ୍ଚି ଭାଲୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସକଙ୍କୁ ଡକାଇ ମୃତଦେହଟିର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ କରିଛନ୍ତି। ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଅସ୍ପଷ୍ଟ ଥିବାବେଳେ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଲେ ଭାଲୁ ମୃତ୍ୟୁର କାରଣ ଜଣାପଡ଼ିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦେଉଳା ଗାଁର ଏକ ପରିତ୍ୟକ୍ତ ଶୁଖିଲା କୂଅରେ ପଡ଼ିଛି ଭାଲୁ। ଗାଁର ବିଭୀଷଣ ମାଳିଙ୍କ ପରିବା ବାଡ଼ ପଛରେ ଥିବା ଶୁଖିଲା କୂଅରେ ଭାଲୁଟି ପଡ଼ିଯାଇଛି। ଏନେଇ ଗାଁ ଲୋକେ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେବା ପରେ ଭାଲୁକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ଲାଗି ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଭାଲୁକୁ ଦେଖିବାକୁ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ଦିନକୁ ଦିନ ଖାଦ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣରେ ଜଙ୍ଗଲ ଛାଡ଼ି ଭାଲୁ ଗାଁ ମୁହାଁ ହେଉଥିବାରୁ ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ବାଲେଶ୍ୱର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ବିଭିନ୍ନ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଗଣଧାରଣା। ମିତ୍ରପୁର ଟ୍ରକ୍ ଡ୍ରାଇଭର ଓ ଶ୍ରମିକ ସଂଘ, ମିତ୍ରପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସଂସ୍ଥା, ମିତ୍ରପୁର ଖାଦାନ ଓ କ୍ରସର ମାଲିକ ସଂଘ ନୀଳଗିରି ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଅଫିସ ଆଗରେ ଧାରଣା ଦେଇଛନ୍ତି। ମିତ୍ରପୁର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ସରକାରୀକରଣ କରିବା ଦାବିରେ ଏହି ଧାରଣା ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଯେତେ ଯାଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ନ ହୋଇଛି ଗଣଧାରଣା ଚାଲିବ ବୋଲି ସେମାନେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ବଜାରରେ ତୈଳ ଦର ବଢ଼ିଛି, ଏହା ଏକ ସାମୟିକ ସ୍ଥିତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବାର ଆଶା ରଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସପ୍ଲାଏ କରୁଥିବା ଦେଶ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନ ବଢ଼ାଇବାକୁ ଚାପ ପକାଯାଇଛି। ଆମେରିକାରେ ବରଫ ଝଡ଼ କାରଣରୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ପାଦନରେ କିଛିଟା ବ୍ରେକ୍ ଲାଗିଛି। କରୋନା କାଳରେ ତୈଳ ଆମଦାନୀ କମିଛି, ସେହି ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ପଦାର୍ଥରୁ ଆଦାୟ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଶର କାମରେ ଆସିଛି। କରୋନା ଭ୍ୟାକ୍ସିନ୍ ପାଇଁ 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବଜେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ 135% ବଢ଼ାଯାଇଛି। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ଶାସିତ ରାଜ୍ୟରେ ତୈଳ ଉପରେ ସର୍ବାଧିକ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଲାଗୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ରାଜ୍ୟ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ ହୋଇଛି ଜିଏସ୍ଟି କାଉନ୍ସିଲ୍, ଯାହା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଜିଏସ୍ଟିରେ କେବେଠାରୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ, ଯାହାର ଫାଇଦା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ସହ ପେଟ୍ରୋଲିୟମ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ହେବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। निश्चित रूप में अभी की अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेलों की दाम में बढ़ने के कारण कंज्यूमर की प्राइस बढ़ी है, ये बात भी सही है। कुछ हिस्सा उसमें टैक्स भी इकट्ठा किया जाता है, केवल भारत सरकार टैक्स नहीं कलेक्शन करती है। माननीय सोनिया गांधी जी की जो दल की शासन राज्य में सबसे ज्यादा टैक्स है, वो राजस्थान हो, महाराष्ट्र हो, ऐसे ये समीक्षा करना सिर्फ
केंद्र सरकार टैक्स कलेक्शन करती है, सही नहीं है, ये बात सही है, टैक्स कलेक्शन भी किया जाता है। आज कोरोना के समय में देश की अर्थनीति जिस प्रकार की खराब स्थिति में पहुंची थी, उस स्थिति में आमदनी राज्य सरकारों की हो या केंद्र सरकार की हो, आमदनी लॉकडाउन के कारण ना के बराबर हो गई थी, उस समय में जो टैक्स के माध्यम से कुछ संग्रहित राशि है उसमें हमने इस बार बजट में 35,000 करोड़ रुपया वैक्सीन के लिए व्यवस्था किया है। धान मंडीर अव्यवस्था को नहीं तातिले झारसुगुड़ार चाषी, छत्तीसगढ़ सीमांत कनकपुर रास्ता अवरोध करिसेंति चाषी। चलित खरीफ ऋतु पाई जिले में गत 25 नवंबर धान संग्रह आरंभ होता बेले अनेक पैक्स समस्या लगि रही। चलित बर्ष जिले में 18,349 जन चाषी धान बिक्री पंजीकृत करता बेले आज सुधा मात्र 12,661 जन चाषी 7,57,000 क्विंटाल धान बिक्री करते। गोटेपटे चलित बर्ष टार्गेट को नहीं चाषी मैंने द्वंद्वे रोकता बेले जिलार पंजीकृत 31% चाषी आशा और आशंकर। अंपटे जिले में अदिनिया वर्षापी विभिन्न मंडी में हजार हजार धान बस्ता पड़ रहा बेले छत्तीसगढ़ सीमांत रेमता चारपाली कनकतोरा पैक्स अंतर्गत चाषी मैंने आज झारसुगुड़ा जिलापाल और जिला जोगाण अधिकारी भेटी से समस्या जनाई। तबे संपर्कित अधिक तथ्य पाई आम सहित सीधासलख जोड़ी आम प्रतिनिधि सुरेंद्र जोड़ी। सुरेंद्र, वर्तमान दृश्य कौन आसुची, चाषी मैंने कौन दाबी रखुछन्ति? देखो आम अच्छा बर्तमान जातीय राजपथ 49 कनकतुरा कनकतुरा हूँ सीमांत ओडिशा रो 0 पॉइंट। तो आप सीधा साल देखी पार्थे केमती हजार हजार बस्ता धान जातीय राजपथ रे ही चाषी मैंने रखी देखते। कारण है जे जिले जो टोकन समस्या लगी रही एनिकरी चाषी मैंने पूर्व जिला प्रशासन द्वारा देते कि समस्या समाधान हो पारे। आम सहित तो बर्तमान अच्छा जिला कृषक संघर सभापति आज्ञा कौन कौन परिस्थिति आप बाध्य कला जे आप जातीय राजपथ से आप स्थान बस्ता रखी सरकार जो डेगा खुली कला कृषि आई बिल पास कर तार लगे बोली आज आमको बाध्य कर जातीय राजपथ से धान के रखा लगे कहीं धान सरकार एमएसपी डिक्लेयर करदे कि घिनबार ग्यारंटी देने धान बिक्री ना हबार से बोले धान बिक्री ना हबार लगे बोली टोकन आसले टार्गेट ना आ टार्गेट है टोकन ना तो से लगे आज आम धान बिक्री ना है टार्गेट ना दे रास्ते धान रखी आज्ञा आम गोटे स्टाटिस्टिक देखते आज सुधा झारसुगुड़ा जिले में 74% धान कि बाकी 24% धान कि आम अच्छा 0 पॉइंट आम पड़ोसी लगे तो गोटे चाषी गोटे असंतोष रही छत्तीसगढ़ जो सरकार जो चाषी को सुविधा गोटे उल्टा चित्र कौन कह मत दुख लगुच आशा सरकार भी शिखवा कथा छत्तीसगढ़ मंडी व्यवस्था मानते गोटे फैक्ट एंड फाइंडिंग टीम जा देखी आई छत्तीसगढ़ मंडी व्यवस्था के धान के किणा बिका चलीजे फैक्ट एंड फाइंडिंग टीम जा देखी आसिकी भी शिखि नहीं पारे कि दुखर विषय आ लज्जाजनक जिन किसी नैन एवं छत्तीसगढ़ राज्य होते किंतु से सब चाषी मान धान बिक्री होड़शा आज एत पुराणा राज्य हो मंडी व्यवस्था थी आज ये अवस्था बहुत दुख लगुचे ओडिशा सरकार के लाज लगवार कथा फैक्ट एंड फाइंडिंग टीम के लाज लगवार कथा से देखी आसिक शिखिले निश्चित भाव ये थी आम सहित जिला कृषक संघर सभापति निश्चित भाव आम कि चाषी प्रतिक्रिया ने तो आप सीधा साल देखी पार्थे केमती चाषी मैंने बहुत बस्ता धान रखी अंपटे जातीय राजपथ से शह शह गाड़ी समस्त पत्रकार बंधु निश्चित भाव में सुरेन्द्र, वर्तमान समस्त राज्य में चाषी मान समस्या बढ़वा लगी कि गोटेपटे मंडी मानक धान कूड़कूड़ पड़ रही बेले कि सरकार शुणा को नाराज। बहुत बहुत धन्यवाद सुरेन्द्र आपणकर समस्त सूचना पाई। समस्त अच्छी मध्यान खबर को ये रखा नमस्कार।